समर सिंह अगर दोषी नहीं हैं तो छिप क्यों रहे हैं। भोजपुरी का एक तबका समर सिंह को दोषी मानने को तैयार नहीं। उनका ये कहना है कि समर और आकांक्षा के बीच सब कुछ खत्म हो चुका था। पिछले एक महीने से ये दोनों एक दूसरे को अनफॉलो कर रखे थे सोशल मीडिया पर। इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था, तो इसलिए समर सिंह इसमें सीधे सीधे जिम्मेदार नहीं है। लेकिन उन दावों का क्या जब समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह दोनों आकांक्षा को सीधे सीधे देख लेने की धमकी दे रहे हैं। साथ ही आकांक्षा के मां का भी कहना है कि संजय सिंह, जो कि समर सिंह के भाई हैं, उन्होंने आकांक्षा को मार देने की धमकी दी थी। वैसे आपको बता दें कि इनके जो रिश्ते हैं उसमें कई परतें हैं, यानी कि कई स्टोरीज़ हैं। समर और आकांक्षा को लेकर ये खुलासा किया जा रहा है कि समर सिंह आकांक्षा को लेकर सीरियस थे और आकांक्षा भी उन्हें लेकर काफ़ी सीरियस थी। ये दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन इसी बीच आकांक्षा का कुछ वीडियो, यानी कि कुछ प्राइवेट वीडियो समर सिंह के हाथ लग गया। इस पर इन दोनों की बहस हुई। कहा जा रहा है बहस इतनी ज़्यादा हुई कि समर सिंह ने आकांक्षा को मारा पीटा भी और इन दोनों ने अपना रिलेशन वहीं ख़त्म कर लिया। ये एक थ्योरी। अब दूसरी थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि दूसरी बात ये कही जा रही है कि समर और आकांक्षा ये दोनों जब तक एक कपल थे तब तक आकांक्षा ने समर के साथ जितने भी वीडियो में काम किया सब फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी उसका एक भी पैसा चार्ज नहीं किया। लेकिन जब इनका ब्रेकअप हो गया तो उन सारे वीडियोस के एक साथ पैसे चार्ज किया है आकांक्षा दुबे ने, वो भी समर सिंह और संजय सिंह के साथ। आपको बता दें कि संजय सिंह समर सिंह का अकाउंट, यानी कि पैसे के लेन देन की बातें सब कुछ संजय सिंह यानी कि समर सिंह के भाई ही देखते हैं, और इन पैसों के लेन देन को के लिए आकांक्षा हमेशा संजय सिंह को ही कॉल किया करती थी। और ऐसे में संजय सिंह ने आकांक्षा को पैसे ना देने, साथ ही उन्हें धमकी देने और तो और उन्हें जान से मार देने धमकाया जा रहा था आकांक्षा दुबे को बार बार संजय सिंह की तरफ से। अब तीसरी थ्योरी जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि आकांक्षा दुबे के साथ समर सिंह रहना तो चाहते थे लेकिन शादी करना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे जिस तरह से दिनेश लाल यादव निरहुआ आम्रपाली के साथ रहते हैं, भी एक ज़माने में काजल राघवानी और पवन सिंह और अक्षरा सिंह रहते थे, उसी तरह से समर और आकांक्षा की जोड़ी को भी लोग देखे। आपको ये बता दें कि एक बार की बात है जब आकांक्षा ने अपनी और समर सिंह की फ़ोटो पोस्ट की और उस फोटो के नीचे कैप्शन दिया हबी, और उसे जैसे ही समर सिंह ने देखा तुरंत आकांक्षा पे प्रेशर बनाया कि इस फ़ोटो को वो तुरंत डिलीट करें। आकांक्षा ने थोड़ी देर उस फ़ोटो को रखी और बाद में समर सिंह के दबाव में ही इस फ़ोटो को उन्होंने डिलीट कर दिया। और चौथी थ्योरी की बात करते हैं, यानी कि चौथा पॉइंट ये था कि समर आकांक्षा के नशे की लत से काफ़ी परेशान हो चुके थे। समर का ये कहना था कि उनके घर में ऐसा माहौल नहीं है और जिस तरह से आकांक्षा नशा करती हैं वो उनके घर में इस तरह अलाउड नहीं होगा, और इसलिए समर आकांक्षा से शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन आपको ये बता दें कि भले ही इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था लेकिन गाहे बगाहे ये दोनों एक दूसरे के टच में थे। समर सिंह को ये कतई राश नहीं आ रहा था कि आकांक्षा दुबे कहीं बाहर के प्रोडक्शन हाउस में काम करें। उन्हें ये चाहिए था कि आकांक्षा के नाम पर सिर्फ समर सिंह का ही ठप्पा हो और समर सिंह ही आकांक्षा के साथ काम करें। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि आकांक्षा को काफ़ी दबाया जा रहा था, ये उनके मर्जी के मुताबिक काम नहीं किया जा रहा दिया जा रहा था। और ये सभी जान रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ये एक आम बात है, भले ही लोग कहते नहीं हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जो अक्षरा सिंह के साथ हुआ, भोजपुरी के कई हीरोइनों के साथ ऐसा हो चुका है। हाँ, कुछ हैं जो फांसी लगा लेती हैं, कुछ हैं जो अक्षरा सिंह जैसी लड़कर आगे बढ़ जाती हैं। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए।